गुलबर्गा शहर के साउथ के पंडित दीनदयाल कॉलोनी रुकुमतोला दरगाह के पीछे मोहम्मद मोदीन साहब के घर में आग लगने से 6,000 रुपये और 1.5 तोला सोने के जेवरात जल गए हैं। घर में सारा सामान और कपड़े भी जल गए हैं। मोहम्मद मोदीन और उनकी अहलिया का ये कहना है कि 8 बजे अपने ससुराल को जाके 10 बजे घर को वापस आने के बाद देखते हैं तो पूरा सामान जल चुका था और नग्न रकम और सोने के जेवरात भी जल गए हैं। मोहम्मद मोदीन और उनकी अहलिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं, अगर कुछ मुआवजा मिला तो बेहतर रहता, कहा मोहम्मद मोदीन और उनके अहलिया ने। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये रिपोर्ट। गाड़ी 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 नहीं हमारे ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी, बात करने के लिए गए थे। 4 बजे गई, 10 बजे आई तक की पूरा आंच लगी। एक नेकलेस और एक मंगलसूत्र और 5,000 रुपये थे उसके अंदर। क्या हुआ था कि आई तक की पूरा आंच लगे था, हम नहीं थे तो घर में। सोना कितना गया? 1.5 तोला।